अंतरा अव्यवधानीन वा विशेष वत्तया प्रतिभासनम वैशद्यम। इस सूत्र का अर्थ बताओ। जो जो ज्ञान होता है वो अन्य ज्ञान अन्य प्रत्यक्ष आदि ज्ञानों से रहित होता है, मतलब बाधित नहीं होता, उसमें व्यवधान नहीं होता। चलो अगला आगे बढ़। इंद्रियन इंद्रिय निमित्तम देश सह साम व्यवहारिकम। इसका अर्थ होता है जो इंद्रिय और मन से ज्ञान होता है वही साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष होता है। मन कहाँ है इसमें? अनिंद्रिय मतलब मन। अच्छा, इंद्रिय और मन के निमित्त से। इसमें देश दह शब्द काय के लिए आया है? सिर्फ थोड़े से अंश में। क्या? जो ज्ञान होता है वो सिर्फ थोड़े से अंश में होता है। अब इसका पूरा अर्थ बताओ। इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम देश दह साम व्यवहारिकम। इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है वो थोड़ी सी, इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है वो थोड़े अंश में ही होता है, वो साम्यवारिक प्रत्यक्ष। चलो आगे चलो। नार्थ अलोकौ कारणम परिच्छेदत्वे तमोवत तद अन्वय तद तद अन्वय व्यतिरेक अनुविधान अभावच्च केशुंड ज्ञानवच्च नक्तंच ज्ञानवत् नक्तंचर ज्ञान बच्चे। हाँ, इस अर्थ इसका क्या मतलब है इस सूत्र मतलब में? मतलब जो हम इसका पूर्व पक्ष ये है कि सिर्फ पदार्थ और जो आलोक होता है उसी वो भी ज्ञान का विषय होना चाहिए, ज्ञान का निमित्त होना चाहिए, पर वो सिर्फ ज्ञान का विषय। अगला सूत्र अतजन्य में भी तत्प्रकाशकम जो प्रकाशित होता है। और तुम तो सूत्र बोलो। अतजन्यमपि तत्प्रकाशकम् प्रदीपवत् आगे स्वावरण स्वावरण शयोपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियत तम व्यवस्थापयति सामग्री विशेष विश्लेषता कारणस्य च परिच्छेदत्वे कर्णादिना व्यभिचारः सामग्री विशेष विश्लेषता अखिल आवरणम् अति इन्द्रियम् अशेषतो मुख्यम्। इसका अर्थ बता दो बस। जो सामग्री होती है द्रव्य क्षेत्र काल और भाव उसकी कोई रुकावट नहीं होती है, और जो ये मुख्य प्रत्यक्ष की परिभाषा है। और ठीक बैठो। चलिए एक बार कल्पतरु ध्वनि के माध्यम से सभी प्रतिभागियों का स्वागत करेंगे। चलिए पहला राउंड यहाँ पर पूरा हो गया है। दूसरे राउंड में अब वे विद्यार्थी आएंगे जिनको छठवें परिच्छेद तक सिर्फ सूत्र याद है, तो उनसे हमें सिर्फ सूत्र जल्दी पूछना है। फिर तीसरे राउंड में वे विद्यार्थी आएंगे जिन्हें सूत्र सहित अर्थ सहित पूरी परीक्षा मुख याद है, तो अभी जिनको 6 के 6 परिच्छेद याद हैं वे रुक जाएं, बाकी सब नीचे आ जाएं, और आप में से जिन जिनको भी सूत्र याद हैं वे सभी ऊपर एक बार आ जाएं। शीघ्रता करें जल्दी से। बस इतने ही है क्या? तो जो यहाँ साइड में बैठे उन लोग को फ्रंट में ले आओ, तुम लोग इधर आ जाओ, थोड़ा और खिसक जाओ उधर उधर। हाँ तो तुम भी उधर जाओ। हाँ इधर कोई है क्या? नहीं है। ठीक चलो शुरू करें भैया। स्वानुभव जी, पहले अध्याय से 6वें अध्याय तक। हाँ सूत्र 6वें अध्याय से भी शुरू कर सकते हैं। हाँ 6वें के भी। चलो भैया 6वें अध्याय से शुरू करो। ततोऽहं तदावासम् अस्य सम्मिलित गीयतार्थः दर्शन संशयादा प्रमाणावासा स्वविषयोपदर्शक त्वाभावा। फिर से बोलो 6वें अध्याय के शुरू से बोलो। ततो अन्यत् और शांति से धैर्य से बोलना, घबराना बिल्कुल नहीं। ततो अन्यत् कोशिश करना कि उच्चारण साफ करो। चलो ततो अन्यत् तदावासम् अस्य सम्मिलित गीयतार्थः दर्शन संशयादा प्रमाणावासा स्वविषयोपदर्शक त्वाभावा और चक्षु रसयोर द्रव्य पुरुषांतर नहीं चक्षु रसयोर द्रव्य और चौथा सूत्र तो बोलो भैया। नहीं है
नहीं है यार, चौथा उसे याद नहीं है। पांचवा चक्षु रस और द्रव्य, तुमने बोला नहीं है, मुझे लगा सूत्र नहीं है तुमके। चलो के बाद है सूत्र वापस पूरा बोलो। क्या पांचवा सूत्र वापस पूरा बोलो? चक्षु रस और द्रव्य संयुक्त समवाय वच्च, और उसके बाद है अवसद्ये प्रत्यक्षम तदाभासम बोध्यस अकस्मात् धूम दर्शन दुहि ज्ञान विज्ञानवत्। दुहि के वन्नी विज्ञानवत्। क्या? चलो। और वसद्ये परोक्षम तदाभासम मीमांसकस्य करण ज्ञानवत्। और आतस्मिन् स्तदिति, आतस्मिन् स्तदिति स्तदिति ज्ञानम्। तुम्हें सुनो सुनो मेरी सुनो, तुम्हें कहां तक अच्छे से याद है इतना बताओ। आगे तक आतस्मिन् स्तदिति ज्ञानम्। मेरी सुन यार, मैं कह रहा हूं तुम्हें कौन से अध्याय से कौन से अध्याय तक सूत्र बहुत बढ़िया तरीके से याद है, हम मैं वही पूछूंगा। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा, तीसरा याद है अच्छे से? हाँ, तीस तक अच्छे से याद है। पक्का? चलो शुरू करो तीसरा। परोक्ष में तत् प्रत्यक्षादि निमित्तम स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम भेदम, और संस्कार उद्बोध निबंधना तदित कारा स्मृति दर्शन स्मरण कारकम सहदेव दत्तो यथा दर्शन स्मरण कारकम संकलनम प्रत्यभिज्ञानम तदेवेदम तत्सादृशम तद्दु लक्षणम तत्पित्योग्यादि यथा साये वाय देव दत्ता गो सादृशो गव्या गो विलक्षणो महसा यदम स्मात् दूरम विरक्षोयम इत्यादि। और उपलम्बानु अनुपलम निमित्तम व्याप्ति ज्ञानुभा, और फिर एदम स्मिन सत्यवे भवत्ते सती तूना भवत्ते वे यथा अग्नि धूमं सम्भावि। सुनो, रुको 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 रुको, पक्ष इति यावत् उसके आगे से हुआ। पक्ष इति यावत् प्रसिद्धो धर्मी, और विकल्प सिद्धे तस्मिन सत्य तरे साध्य अस्ति सर्वज्ञ नास्ति खर्विषाणमिति। हेतु रूप संघार उपनयः इसके आगे से बोलो। प्रतिज्ञास्तु निगमनः, और तद अनुमानम 50 है ना। चलो बैठो, पूरे छठे अध्याय तक कोई दिक्कत नहीं, चौथे अध्याय से शुरू करो। सामान्य विशेषात्म तदर्थो विषय अज्ञान अनुरुत्व अवरुद्ध प्रत्यय गोचरत्वात् पूर्वोत्तर आकार व्याप्ति व्याप्ति स्थिति लक्षण पूर्वोत्तर परिहार व्याप्ति पूर्वोत्तर आकार परिहार व्याप्ति स्थिति परिहार वापति स्थिति लक्षण परिणाम नार्थक क्रियो प्रत्यक्ष क्रियो प्रत्यक्ष सामान्यम वेद तिर्य गुरुता भेद सादृश परिणाम सादृश परिणाम अस्थिर्य खंड मुंडादिशु गोतवत परापर विवर्तत परापर विवर्तत व्यापी द्रव्य मूर्धता मृदीव स्थासादिशु विशेषश्च। चलो पांचवा अध्याय शुरू करो। अज्ञान निवृत्तिर हानोपदानोपेक्षा से फलम प्रमाण भिन्न भिन्न च निवृत्तज्ञानो निवृत्तज्ञान जात्यादत्ते उपेक्षपे चेति प्रतिदिते। चलो अगला आगे नहीं नहीं आगे बोलो छठवें अध्याय बोलो। ततो अन्य तदावास अश्वसमिति गृहीता दर्शन संशयादय प्रमाणवास स्वविश्योप दर्शकत्व अभावात पुरुषांतर पूर्वात गच्छस्त्र स्पर्शन स्थानो पुरुषादि ज्ञानवत चक्षुरस्योर द्रव्य संयुक्त समय आकाश नित्यप्यस्य निश्यात आकाश नित्यप्यस्य निश्यात शांकित्रोत्तिस्तु नास्तिस्तु नास्ति सर्वज्ञो वक्तृत्वात् सर्वज्ञत्वेन वक्तृत्वात् विरोधात् फलाभासं प्रमाणात् भिन्नम अभिन्नम एव। अच्छा पचास के बाद नहीं है, है ना? तीसरे में पचास था। ये तो छठवें, ये तो हम छठवें का पूछ रहे हैं। हाँ, तो छठवें का बोलो। फलाभासं प्रमाणात् अभिन्नम भिन्नम एव, ये 66 नंबर सूत्र, उसके आगे अभेदे अभेदे तद्व्यवहार अनुपपत्ते तद्वेदा प्रत्यक्षेतर वेदात् विशदं प्रत्यक्षं प्रतित्यंतर व्यवधानं। पहला अध्याय
स्वपूर्वात व्यवसायत्मक ज्ञानम प्रमाणम हिताय प्राप्ति परिहार समर्थम तीसरा अध्याय है परोक्ष मित्र प्रत्यक्ष बहुत बढ़िया बैठो छठवें अध्याय तक छठवा अच्छे से पांचवें तक चलो पांचवा शुरू करो अज्ञान निवृत्ति हानोपादान नहीं अज्ञान निवृत्ति हानोपादान अपेक्षा फलम प्रमाणात भिन्नम भिन्नम च वस वस व प्रमेयमिते स एव स एव निवृत्त ज्ञानो जाते दत्ते उपेक्षते चेति प्रतीते सभी अपने पुस्तक में सुधार लीजिए यह है वह नहीं है वो यह है यह प्रमेयमिते स एव निवृत्त ज्ञानो जाते दत्ते उपेक्षते चेति प्रतीते चौथा अध्याय सामान्य विशेषात्मा सामान्य विशेषात्मा विशेषो तदर्थो विषय अज्ञान निवृत्त अनुवृत्त व्यावृत्त प्रत्यय गोचरत्वात् पूर्वोत्तराकार व्याप्ति सत्रापि नहीं परिहार व्याप्ति स्थिति व्याप्ति सत्रापि लक्षण तुम पूरे सूत्र को तुम पूरे सूत्र को फिर से धीरे धीरे बोलो आराम से अज्ञान निवृत्ति नहीं अनुवृत्त व्यावृत्त व्यावृत्त प्रत्यय गोचरत्वात् पूर्वोत्तराकार परिहार परिहार व्याप्ति सत्र स्थिति स्थिति लक्षण परिणामेन परिणामेन अर्था लोको अर्थ क्रिया अर्थक अर्थक क्रियो प्रत्यक्ष पढ़ो आगे सामान्यम द्वेदात तिर्यक उर्गत वेदात सदृशो परिणामे सदृश परिणामे स्त्रियक खंडमंडादिषु गोत्वत् परापर विवर्त परापर विवर्त चलो तीसरे अध्याय में आ जाओ सादेव दत्तो यथा सादेव दत्तो यथा दर्शन स्मरण कारण संकलन प्रत्यभिज्ञानम तदेवेदम तत्सदृशम तद्विलक्षणम तत्प्रतियोगि इत्यादि यथा सैव इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम इष्टम अबाधितम सिद्धम साध्यम संदिग्ध विपरस्ता उत्पन्नानां साध्यत्वं माबुधिष्ठा बाधित वचनम अनिष्टाध्यक्षादिबाधितयो साध्य धर्मणि साध्य साधने संदेहयति दंगे साध्य धर्मणी हेतु साधे और वचनादेव समर्थनम समर्थनम वावरम हेतु रूप नहीं समर्थनम वावरम से हेतु रूप हेतु रूप मानवयो न पक्षयति नहीं नहीं कोई बात नहीं चलो दूसरे अध्याय की बोलो तद्वेदा प्रत्यक्षेतर वेदात विशदम प्रत्यक्षम संदिग्ध विपर्यस्ता व्युत्पन्ना नाम साध्यत्व माबुधि नहीं अरे दूसरा अध्याय तद्वेदा प्रत्यक्षेतर भेदात विशदम प्रत्यक्षम संदिग्ध नहीं प्रतीत्यांतर प्रत्यंतरा प्रतीत्यांतर अव्यवधानेन प्रत्यंतरा व्यवधानेन विशेषवत्या वा प्रतिभासनम वैशद्यम इंद्रिय निमित्तम देशता साम्यवारिका नार्थलोको कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत् पहला अध्याय स्वपूर्वाद व्यवसायत्मक ज्ञानम प्रमाणम हितायत प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में वत तन्निश्चयात्मक समारोप विरदत्वात अनुमानवत छठवां अध्याय ततो अन्य तदावास असंविदित गणितार्थ ये वाला सही से याद नहीं चलो हो गया ठीक है बहुत बढ़िया दूसरा परिच्छेद सुना दूसरा परिच्छेद तद्वेदा प्रत्यक्षेतर वेदात विशद प्रत्यक्षम प्रतीत्यंतर व्यवधानेन विशेषवत्तया प्रतिभासनम वैशेद्यम इंद्रियानिंद्रिय निमित्तं देशतः साम्यवहारिकं नार्थालोको कारणं च परिच्छेदत्वात् मोवत् कारणादिना व्यभिचारः कारणस्य च परिच्छेदत्वात् मोवत्
सामान्य विशेषात्मा सावरण क्षेपक्षम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम सावरण क्षेपक्षम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति सावरण कारण से परिच्छेद होते कारण चौथा परिच्छेद चौथा चौथा सामान्य विशेषात्मा तदर्थ विषय अनृत्त व्यावृत प्रत्येक गोचरत्वात् स्थिति व्याप्ति स्थिति लक्षण पूर्वोत्तर आकार अनृत्त व्यावृत प्रत्येक गोचरत्वात् पूर्वोत्तर आकार परिहार व्याप्ति स्थिति लक्षण परिणामेनार्थ क्रियोत्पत्तिश्च। इसमें आप सभी एक शब्द गलत उच्चारण कर रहे हैं, परिहार अवाप्ति व्याप्ति नहीं है वहां, अवाप्ति है ना, व्याप्ति शब्द दूसरे अर्थ में आएगा, परिहार अवाप्ति सामान्यम सामान्यम देदा तिर गुरुद्वता भेदा सदृश परिणाम अस्तिरक खंड मुंडादिशु गोतवत परापर विवर्त व्यापी द्रव्य परापर विवर्त व्यापी द्रव्य मूर्धता मृत्यु गोतवत। ये छठवें अध्याय में लक्षण हेतु के भेद वाला वो भी याद किए हैं क्या, या 50 तक ही है? तीसरे अधिकार में तीसरे परिच्छेद में 50 तक ही है भाई साहब, वस्तु वालों ने किया। अच्छा, है 50 तक के लिए उसमें से नापि व्याप्ति स्मरणार्थम नापि व्याप्ति स्मरणार्थम तथाविद हेतु प्रयोगादेव तत्स्मृते उसके आगे तत्परम अवधीयमानम साध्य धर्मी साधन धर्म साध्य साधने संदेह यति कुतो अन्यतो समर्थनम वावरम हेतु रूप समर्थनम न चते तदंगे साध्य धर्मिणी साध्य साधने संदेह यति समर्थनम वावरम हेतुरूपम अनुमान अनुमानवयो वास्तु साध्य तदुपयोगात। ठीक है, बैठिए अगले तीसरा अध्याय शुरू करो आप, तीसरा परिच्छेद परोक्षमित्रत् प्रत्यक्षादि निमित्तं श्रुति प्रतिभ्यां तर्क अनुमानगम भेदम संस्कारोद्भूतमता तदितिकार स्मृति सदेवदत्त यथा दर्शन स्मरण कारणकं संकलनं प्रतिभ्यानं तदेवेदं तत्सदृशं तद्विलक्षणं तत्प्रतियोगिता इति तर्कात् तन्निर्णयः से आगे इष्टम अवैधम सिद्धम साध्यम संदिग्ध विपर्यस्ता उत्पन्नानां यथा साधित्व साध्य बराबर है साध्यत्वम यथा स्याद सिद्ध आगे बोलते जाए अनिष्टाध्यक्षादि बाधित हो मां भूति तुम डर क्यों रहे हो शांति अच्छे से बोलो ना डर क्यों रहे हो छठवां अध्याय का थोड़ा याद नहीं है तो छठवां नहीं तीसरा है तीसरे का भी मतलब आगे से कौन सा अच्छे से याद है पहला दूसरा है ना दूसरा शुरू करो दूसरा तद्वेदा प्रत्यक्ष इतर भेदान विषदम प्रत्यक्षम साम्यवैरिकम प्रतीत्यंतरा चलो पहला अध्याय सो पूर्वाभ्यासात्मकं ज्ञानं प्रमाणं हिताय प्राप्ति परिहार सम्मतं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्निश्चयात्म समारोह विरोधत्वाद् अनुमानवत् अनिश्चितो पूर्वार्ध दृष्टोपि समारोपताद्रि सोन्मुक्तया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसाय अर्थस्य तदुन्मुक्तया घटम् अर्थम् घटमहम्
घटमात्मा वेद्मी कर्ता कर्म करण कर्मवत कर्मवत करण एक बार गहरी सांस ले लो, तैयार तीसरा अध्याय शुरू, तीसरा परिच्छेद शुरू करो। परोक्ष मित्र प्रत्यक्षादि निमित्त प्रतिपत्त विज्ञान तर्कानुमान आगम वेदम संस्कार बोध निमित्तना तदित्याकार स्मृति सा देव तदो यथा दर्शन स्मर कनकम संकलन तदे वेदन तद्वि लक्षण शुरू करो। दृष्टांतो द्वेधा, दृष्टांतो द्वेधा, दृष्टांतो द्वेधा अन्वय व्यतिरेक भेदात साध्य व्याप्तम सात साध्य व्याप्तम साधनम यत्र प्रदर्शते। तीसरा तो अच्छे से याद है ना, तीसरा परिच्छेद पूरा है ना, थोड़ा पीछे आ जाए। विकल्प सिद्धे तस्मिन, तुम टेंशन पाते हो इसलिए भूल जाते हो, करो मत। विकल्प सिद्धे तस्मिन सत्य तरे साध्य, एक बार विकल्प सिद्धे तस्मिन सत्य तरे साध्य। विकल्प सिद्धे सत्य तरे साध्य अस्ति सर्वज्ञो, अस्ति सर्वज्ञो नास्ति, अस्ति सर्वज्ञो नास्ति करणाश कर्विषाणम करणे विषाणामिति प्रमाणोभय प्रमाणोभय सिद्धे दूसरा दूसरा परिच्छेद ले लो। विशद्धं प्रति तद्वेदा परोक्षं मित्तद दूसरा परिच्छेद प्रत्यक्ष प्रमाण का है। दूसरा परिच्छेद याद बोलो, आराम से बोलो दूसरा परिच्छेद याद है कि नहीं है? बोलो तद्वेदा के आगे बोलो प्रत्यक्षेतर वेदा, प्रत्यक्षेतर वेदा विसंध प्रत्यक्षं तदित्यं प्रत्यंतरा व्यवधानेन प्रत्यंतरा व्यवधानेन विशेषवत्या वा प्रतिभासनं वा वा प्रतिभासनं वैसद्यं इन्द्रियन्द्रिय निमित्तं स्मृतिपद्य विज्ञान तर्क स्मृति इन्द्रियन्द्रिय निमित्तं देश साम्यवहारिकं नाता लोको कारणं परिचेदत्वा तमोवत तदन व्याव्याति रेकानु विदाना भावाश्च केश केशुंदुक दाना भाव केशुंदुक ज्ञानवन नत्तंच ज्ञानवच साध्य अतज्जन अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशकं प्रतिभवत स्वावरणत्वे स्वयोक्षं लक्षण योग्यताय ही प्रतिनियुक्तम् अर्थं व्याप्ति व्यवस्थापि यति व्यवस्थापयति। चलिए बैठिए बैठिए, नेक्स्ट कहाँ तक अच्छे से याद है? पांचवे तक चौथे से शुरू करो। चौथा परिच्छेद सामान्य विशेष आत्मा तदर्थ विषय अनुवृत्त व्यावृत प्रत्यय गोचरत्वात् याद है परिच्छेद, आराम से बोलो। स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में आवाज तो निकालो तो माइक नहीं आए। स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्
तन्निश्चयात्मकं समारूपवृद्धत्वादनुमानवत् द्रष्टुपि समारूपात् अनिश्चितो अपूर्वार्थ दृष्टोपि समारूपात् ताद्रक दृष्टोपि समारूपात् ताद्रक घटमहिमात्मना वेद्मि कर्मरत कर्तृकरण क्रिया प्रतीते कर्मरत शब्दानुच्चारणे पि सस्यानुभवन मर्थवत् कोवा तत्प्रतिभासनम् मिच्छन्स्तदेव तदा तथा निश्चेत् तत्प्रामाण्यं स्वतः परतश्च प्रदीपवत् तत्प्रामाण्यं स्वतः परतश्च। नेक्स्ट कहाँ तक बताओगे अच्छे से? कितने याद हैं? कहाँ तक बताओगे अच्छे से? पांच तक पक्का? हाँ पांचवा शुरू करो। पांचवा हाँ अज्ञान निवृत्ति हानुपादानोपेक्षा श फलम प्रमाण भिन्नम भिन्नम च यह प्रमिते स एव निवृत्त ज्ञानो जाद्या दत्ते उपेक्षिते चेति प्रतीते। चलो चौथा अध्याय। चौथा सामान्य विशेष आत्मा तदर्थो विषय अनुवृत्तर व्यावृत्त प्रत्येक गोचर तात् पूर्वत्व आकार परियार व्याप्ति स्थिति लक्षण परिणामेन परिणामेनार्थ परिणाम नार्थक क्रिया उपत्तेश सादृश्य परिणाम तिरे खंड सामान्यम द्वेधा सामान्यम तिरे ऊर्धता भेदा सादृश्य परिणाम सामान्यम द्वेधा तिरे ऊर्धता भेदा। अगला बोलो सादृश्य परिणाम तिरे खंड मुंडादिशु गोत्वत परा पर वृत्त व्यापी द्रव्यतम ऊर्धता स्थादिशु मदव गोत्वत विशेषस्य पर्याय व्यतिरिक भेदात एकस्मिन् द्रव्य क्रम भाविना आत्मनि हर्षादादि पद अर्थांतर गतो। तीसरे अध्याय में बोलो तद अनुमानम द्वेधा उसके आगे तद अनुमानम द्वेधा द्वेधा प्रत्यक्ष इतर स्वार्थ परार्थ भेदात स्वार्थ परार्थ भेदात प्रत्यक्ष स्वार्थम स्वार्थ कौन सा सूत्र तीसरे अध्याय का सूत्र है 50 नंबर स्वार्थम उक्त लक्षणम आगे तू तदार्थ परमशी वचन जातम आगे नहीं 52 तक ही। अच्छा, 52 पहला अध्याय स्वपूर्वाद व्यवस्थात्मकम ज्ञानम प्रमाणम हितायत प्राप्ति परियार समर्थनम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत् तन्निश्चयात्मकम समारोह बुद्धत्वात् अनुमानवत् अनिश्चित दृष्टोपि समारोह पातादृक् अनिश्चित अपूर्वार्थ स्वमुक्त्या प्रतिभासनम सस्य व्यवसाय अर्थस्य तदुन्मुक्त्या घट महात्मा वेद्मी कर्म वट करती करण किए प्रतीते शब्दानुचारिणे पि सस्य अनुभवनं अर्थवत् तदे वेद प्रत्यक्षतर वेदात विशिष्टम प्रत्यक्षम प्रति अंतरा व्यवधानेन विशेषवत्येव प्रतिभासनम विशद्यम। नेक्स्ट बोलो तीसरा अध्याय परोक्षमित्रत् प्रत्यक्षादिनिमित्तं स्मृतिवृत्तिज्ञं तर्कानुमानागं भेदं संस्कारोद्बोधनिबन्धन तदतिकारा स्मृति सदेद्वित्त यथा दर्शनस्मरणकारकं संकलनं प्रतिभिज्ञानं तदेवेदं तस्य दर्शनं तद्विलक्षणं तद्प्रतियोगित्यादि यथा स एव तर्कात्तन्निर्णय इष्टमवादितं सिद्धं साध्यं संदिग्धविपर्यस्त व्युत्पन्नं साधित सिद्ध सिद्धपदं अनिष्ट अध्यक्षादि उपसंहार हेतुरूप संहार उपनय प्रतिज्ञास्तु निगमनः आगे प्रतिज्ञास्तु निगमनः तदनुमानं द्वेधा स्वार्थ परार्थ अनुमानं द्वेधा। दूसरा अध्याय बोलो दूसरा अध्याय तद्वेदा प्रत्यक्षेतर भेदा विशेषं प्रत्यक्षं प्रतित्यंतर व्यवधानेन विशेषवत् चौथा अध्याय बोलो सामान्य विशेषात्मनो तदर्थो विषय अनवृत्त व्यावृत्त प्रत्यय गोचरत्वात् पूर्वोत्कार परिहार स्थिति व्याप्ति छठम अध्याय स्टार्ट करो। ततो अन्य तदा भासम असमसंबंधित गृहितार्थ दर्शन संशयदय प्रमाणाभासा पुरुषांतर पूर्व इदम अनुमानाभासम तत्र अनिष्टादि पक्षाभासा अनिष्ट इदम अनुमान उसी कंटिन्यू आगे का सूत्र है उसी से अनिष्टादि पक्षाभासा इदम् अनुमानाभासं तत्र अनिष्टादि पक्षाभासा
आगे अनिष्टितो मीमांसकस्य नित्य शब्दवत अनिष्ट मीमांसक आप शब्द बोलेंगे तो उसके आगे सिद्धा सिद्धा श्रावण सिद्ध श्रावण सिद्ध साधम श्रावण सिद्ध श्रावण शब्द शब्दवत शब्दत प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षादि बाधित बाधितः प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रत्यक्षादि बाधित लोकस्य वचने चलो बैठो शुरू पहले अध्याय से शुरू करो पहले अध्याय से शुरू करो स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम हिम प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत् अनिश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वाद अनुमानवत् दूसरा अध्याय तद्वेदा प्रत्यक्षेतर भेदाद विशदम प्रत्यक्षम प्रतीत अंतरा व्यवधानेन विशेषवत्ताया वा प्रतिभासन वैशद्यम तीसरे अध्याय में तर्कात्मक निर्णय से शुरू करो तर्कात्मक निर्णय इष्टबाधितम सिद्धम साध्यम संदिग्ध विपर्यस्ता व्युत्पन्नानां साधित्यादि सिद्ध पदम अनिष्ट अध्यक्षादि बाधितयो साध्यतादि नास्मिन् शरीराणि अच्छा सॉरी तीसरे में तो पचास तक ही है ना ठीक चौथा अध्याय सामान्य विषयात्मक तदर्थ विषय अनुवृत्त व्यावृत प्रत्यय गोचरवत्वात् पूर्वोत्तरा कारा परिहारा व्याप्ति स्थिति पांचवा अध्याय अज्ञान निवृत्ति हानुपादानापेक्षाश्च फलं प्रमाणात् भिन्नं भिन्नं च यः प्रतिमिते स एव जहाते दत्तो उपेक्षिते चेति प्रतीते आगे हो गए ना छठवां अध्याय ततो अन्य तदाभासम अश्वसंविदित ग्रहितार्थ दर्शन संशयादय प्रमाणाभासम इंद्रिय स्वविषयोपदर्शकत्वा भावात् इंद्रिय पुरुषांतर पूर्वात् गच्छतन स्पर्श स्थानु पुरुषादि ज्ञानवत् चक्षुरसयो द्रव्य संयुक्त समवायवच्च अवैषद्य प्रत्यक्षम पूरा छठे के 20 तक ही आता है छठे से स्टार्ट करो ततो अन्य तथा भासम अस्वसंविदित ग्रहितार्थ दर्शन संशादया प्रमाणाभासा स्वविषय उपदर्शकत्व अभावात् पुरुषांतर पूर्वात् गच्छ त्रण स्पर्श स्थान पांचवा अध्याय अज्ञान निवृत्तो हानो उपादानो उपेक्षाश्च फलं चौथा अध्याय सामान्य विशेषात्मक तदार्थो विषयः अनुवृत्त व्यावृत्त प्रत्यय गोचरत्वात् पूर्वोत्तराकार परिहार व्याप्ति स्थिति लक्षण परिणामेन अर्थ क्रियोपत्तिश्च अध्याय में सदैव दत्तो यथा सदैव दत्तो यथा दर्शन स्मरण कारणकम संकलनम प्रतिविज्ञानम तद्वेदम तत्सदृशम तद्विलक्षणम तत्प्रतियोगी इत्यादि यथा स एवायम देवदत्तः गो सदृशो गवयः गो पहला स्वपूर्वात् व्यवसायात्मकम् ज्ञानम् प्रमाणम् हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम् हि प्रमाणम् ततो ज्ञानमेव दूसरा अध्याय तद्वेदा प्रत्यक्षतर्भेदात् विशदम् प्रत्यक्षम् प्रतीति अंतरा अव्यवधानेन वा विशेषवत्तया प्रतिभासनम् वैषद्यम् इन्द्रियेन्द्रिय निमित्तम् देशतः साम्यवारकम् नार्थ आलोकौ परिच्छेदत्वे तमोवत् तत् वे व्यतिरिक अनुविधान अभावाच्च केशुण्ड ज्ञानवन् नक्तञ्च ज्ञानवच्च जन्यमपि तत्प्रकाशकं प्रदीपवत् स्वावरण शैपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियत अमर्थम व्यवस्थापयति कारणस्य च परिच्छेदत्वे कर्णादिना व्यभिचारः सामग्री विशेष विश्लेषता अखिल आवरणम् अति इन्द्रियणम् अशेषतो मुख्यम् सावरणत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबन्ध संभवात् बहुत बढ़िया छठवां अध्याय के छठवें अध्याय तक छठवें अध्याय के 10 सूत्र याद दस ना चलो पहले अध्याय से बोलो स्वपूर्वाद व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत् तन्निश्चयात्मकम समारोह विरुद्धत्वात् तीसरे अध्याय में प्रसिद्धो धर्मी इसके आगे से प्रसिद्धो धर्मी विकल्प सिद्ध तद विशिष्टो वा धर्मी क्वचित तद विशिष्टो प्रसिद्धो धर्मी विकल्प सिद्धे सत्य तरे साध्य तस्मिन् सत्य तरे साध्य अस्ति सर्वज्ञो नास्तिक हरविषाणम प्रमाण उभय सिद्धे सत्य तर नहीं प्रमाण उभय सिद्धे तु साध्य धर्म विशिष्टता अग्नि मान्यम देशा परिणामी शब्द इति यथा चलो चौथा अध्याय सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषया अनुव्रत व्यावृत प्रत्यय गोचरत्वात् पूर्वोत्तर आकार परिहार वाप्ति स्थिति लक्षण योग्यता परिणामिन अर्थ क्रियापत्तिश्च इस सूत्र को वापस बोलो
अनुव्रत व्यावृत प्रत्यय गोचरत्वात् पूर्वोत्तर आकार परिहार वाप्ति स्थिति लक्षण परिणामेन क्रियोपत्तेश्च सामान्यम सामान्यम द्वेधा तिर्यक ऊर्ध्वता भेदात सदृश परिणामस्ति तिर्यक खंड मुंडा दिशो गोत्ववत एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भावना परापर विवर्त व्यापी द्रव्य मूर्धता आत्मनि हर्ष विषादिपत नहीं विशेषश्च पर्याय व्यतिरेक पांचवा अध्याय बोलो अज्ञान निवृत्ति हान उपादान उपेक्षाश्च फलम छठवा अध्याय बोलो ततो अन्य तदाभासम अस्वसंविदित ग्रहितार्थ दर्शन। आप लोग मतलब इतने स्लो स्लो ताली बजा रहे हैं, एक बार जोरदार करके चलिए। अब अंतिम राउंड है, हम शीघ्रता से उसे संपन्न करेंगे। आप सभी नीचे आ जावे, तृतीय राउंड की जितने भी विद्यार्थी हैं वे सभी आ जावे। इस राउंड में सभी लोग शांति बनाए रखें। चलिए, इस राउंड में आपसे दो दो या तीन प्रश्न पूछे जाएंगे। क्यों? एक इस राउंड के लिए कितना समय अपने पास? 25 मिनट। तो 10 लोगों को 25 मिनट निपटा दोगे दो दो मिनट में? वो आपके ऊपर है। तो हम तो कह रहे 5-5 मिनट लगने चाहिए कम से कम। भाई ऐसा है, यही तो प्रतियोगिता है और इसमें ही तुमने तीन थी चीजें, सूत्र, अर्थ, प्रश्न उत्तर, तो समय नहीं लगेगा। सोच लो, हम तो तैयार हैं। अब इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो। सब अभी करवा देते हैं संपन्न। चलिए, आपसे एक प्रश्न यहाँ से मैं पूछूंगा, फिर दूसरा प्रश्न वहाँ जो निर्णायक मंडली है वे आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। ऐसे क्रमशः दो दो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपको यदि उत्तर नहीं आ रहा है तो आप उस प्रश्न के लिए मना कर दें, तो या तो वो प्रश्न आगे बढ़ा दिया जाएगा या आपसे ही दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ये नंबरिंग कैसी है, माने इसमें नंबर देने क्या कर रहे हैं? हाँ, इसमें भाई साहब 10 नंबर ये जो सूत्रार्थ बोलेंगे उसके हैं, फिर 10 नंबर हम जो इनसे प्रश्न पूछेंगे उसके हैं, बाकी तो एक विद्यार्थी कितने प्रश्न पूछेंगे? एक विद्यार्थी से दो या तीन प्रश्न। ठीक, और फिर तीसरा ये लोग कैसी प्रस्तुति करते हैं, मतलब तो उसमें किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, बाकी दो ही ठीक है। चलिए, प्रत्यक्ष का स्वरूप बताइए। प्रत्यक्ष का स्वरूप विजदम प्रत्यक्षम, विजदम प्रत्यक्षम प्रतीति अंतर व्यवधानेन व विशेषवत्या विशेषवत्या प्रतिभासनम व प्रतिभासनम वैसद्यम, अर्थात जो विशद ज्ञान है वही विशद ज्ञान है, स्पष्ट निर्मल ज्ञान है वही प्रत्यक्ष। इसमें प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन इस पद का क्या अर्थ है? इस पद का ये अर्थ है कि दूसरों के व्यवधान से रहित, अंतराल से रहित जो ज्ञान है वही विशद ज्ञान है। दूसरे के अंतराल से रहित या अन्य किसी ज्ञान के व्यवधान से रहित? अन्य किसी ज्ञान से व्यवधान, मतलब दूसरों का जो ज्ञान है उसके व्यवधान से रहित। मैं एक सलाह दूं क्या? पहले अपन सूत्र अर्थ पूछ लो सबसे, फिर प्रश्नोत्तर राउंड करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, बोलो। हाँ हाँ सही है। क्या नहीं तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने सूत्र का पूछा और प्रश्नोत्तर पे कब पहुंच गए। ठीक है भाई सब, तो पहले इनसे सूत्र अर्थ पूछ लेते हैं। सूत्र अर्थ सबसे पूछ लें पहले, फिर इनसे प्रश्न पूछ लेंगे। हाँ, तो सबको 6 अध्याय याद है क्या? सबको 6 अध्याय तक याद है ना? तो क्रम से पूछेंगे, कोई भी सूत्र पूछेंगे, कोई भी सूत्र विषय वाइज पूछेंगे, तो वो सूत्र बताएंगे और उसका अर्थ बताएंगे। हाँ, तो तुम ही पूछ रहे हो। सूत्र अर्थ आप पूछ लीजिए, वरना मैं पूछ लेता हूँ। नहीं, तुम भी पूछो, हमें क्या दिक्कत है। ठीक, चलो भाई तुम ही हो ना स्टार्ट। चलो अगला, नेक्स्ट। नहीं, यहीं से स्टार्ट करेंगे ना। इससे पूछ लिया अभी? कहाँ पूछा, अच्छा वापस पूछ रहे। हाँ, अभी तो घुल गई। बताओ धर्मी का स्वरूप। धर्मी का स्वरूप प्रसिद्ध धर्मी, जो धर्मी होता है वह प्रसिद्ध होता है। विकल्प सिद्ध तस्मिन सत्य तरह साध्य, जिसकी सत्ता असत्ता दोनों सिद्ध, दोनों साध्य होती है, जैसे अस्थि सर्वज्ञ नास्तिक। एक बच्चे से कितने सूत्र पूछेंगे मिनिमम?
दो से एक या दो बस बस चलो तीन तो पूछो कम से कम। ठीक है ठीक। विकल्प सिद्ध जिसमें सत्ता सत्ता दोनों साथ होती है जैसे अस्ति सर्वज्ञ नास्ति खर्वसानमिति अर्थात सर्वज्ञ है ये भी साध्य और गधे के सींग नहीं है ये भी साध्य प्रमाणों पर सिद्ध तो साध्य धर्म विशिष्टा। फिर उसी का उदाहरण देते हैं अग्निमान्य प्रदेशो शब्द शब्द यथा फिर व्याप्त तो साध्यम धर्मे अर्थात। ठीक है बस एक बार उपनय का स्वरूप और बता दो। उपनय रुको 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 हेतु उपनसार है उपनय रुको 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 पहले सूत्र का बोलो पहले अध्याय का पहला सूत्र बोलो। स्व पूर्वाद व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम इसका अर्थ बताओ। स्व अर्थात अपने आप का जो ज्ञान है स्वयं को जानने वाले जो ज्ञान है स्व अपूर्वाद पहले न जाने हुए पदार्थ को जानना अपूर्वार्थ और निश्चयात्मक ज्ञान तन निश्चयात्मक समारोह विरुद्धत्वात अनुमानवत अर्थात जिसमें संशय विपर्य अनिर्वचनीय। तुम सूत्र बोलो पहले बोलो सूत्र आराम से पहले सूत्र बोलो पहला सूत्र का अर्थ बताओ। और मुझे केवल अर्थ पूछना है विस्तार नहीं व्याख्या नहीं चाहिए हमें। सूत्र बोलो और अर्थ बोलो। स्वपूर्वात व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम अब इसका अर्थ बोलो। अपने और पहले न जाने हुए पदार्थ का निश्चयात्मक जो ज्ञान है वही ज्ञान प्रमाण है। ठीक है चलो ये देखो ऐसा है तीन सूत्र पूछने एक तुम पूछोगे एक हम पूछेंगे एक भाई साहब पूछेंगे माने एक यहां से निर्णायक लोग पूछेंगे। चलो पक्षाभास तत्र अनिष्टादि पक्षाभासा मतलब जो अनिष्ट है। एक मिनट भैया सॉरी ये नंबर से बैठेंगे मैं नाम नहीं जानता ये सम्यक जैन थे क्या जैसे ही खड़े हो अपना नाम बोलते थे। अरहम जैन अरहम अभी जो था उसका नाम क्या है विराग जैन बताओ मैं अभी सम्यक को दे देता नंबर मैंने भी दे दिया तत्र ये विराग ना चलो तुम्हारा नाम अरहम छह नंबर ठीक। तत्र अनिष्टादि पक्षाभासा जो अनिष्ट है और बाधित है और अनिष्ट है बाधित और सिद्ध है वो पक्षाभास है तो तत्र अनिष्टादि पक्षाभासा। फिर अनिष्ट मीमांसकस्य अनित्या शब्दा कि जो मीमांस पहले जो है अनिष्ट पक्षाभास। तुमसे एक सूत्र पूछा उसका अर्थ बताना तुम आगे क्यों बढ़ते हो एक ही का अर्थ बोलना इस सूत्र का अर्थ बता दिया अब भाई सब पूछेंगे। प्रत्यक्षेतर भेदात प्रत्यक्षेतर भेदात मतलब जो प्रत्यक्ष और इतर जो प्रमाण है वो दो प्रकार का है प्रत्यक्ष और इतर इतर मतलब भिन्न प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष से भिन्न के भेद से मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से। ठीक चलो हाँ प्रत्यायनाय हिच्छा वक्तुरेव इसमें बताया गया है कि अभी दूसरा प्रतियोगी पूरा थोड़ी हो गया तीन लोगों को पूछना है ना। प्रत्यायनाय हिच्छा वक्तुरेव इसमें वक्ता की परिभाषा बताई है कि प्रत्यायनाय हिच्छा वक्तुरेव जैसे दूसरों को समझाने की अभिलाषा हो वो वक्ता है। ठीक है अब नेक्स्ट संकित विपक्ष वृत्ति हेत्वाभास संकित विपक्ष वृत्ति और निश्चित विपक्ष वृत्ति दो प्रकार से है ये संकित विपक्ष वृत्ति यदि हेतु जो है साध्य में भी जाए और हेतु में भी रहे तो उसे संकित विपक्ष वृत्ति कहेंगे जैसे सर्वज्ञ सर्वज्ञ वक्ता है। अभी सूत्र बताना है और उसका अर्थ सूत्र ख्याल में आ रहा है संकित विपक्ष वृत्ति का संकित वृत्ति तो संकित विपक्ष वृत्ति नास्तिस्तु नास्ति सर्वज्ञत्वात् वक्रत्व अर्थ आ रहा है अर्थ बताओ। यहाँ पे बताया गया कि सर्वज्ञ है वो ये सर्वज्ञ नहीं है बोलते हुए होने से तो इसमें हमको संकेत खड़ा हो रहा है कि भाई जो सर्वज्ञ दे सर्वज्ञ है जैसे हम तीर्थंकर वो बोलते भी हैं तो उससे सर्वज्ञ पने की संकेत पैदा हो रहा है कि वह संकेत वह सर्वज्ञ है या नहीं है। साध्य की परिभाषा इष्टम अवाद्य सिद्धम साध्यम जो
इष्ट है अबाधित है और इष्ट अबाधित सिद्ध और जो असिद्ध है ऐसे साध्य। इष्ट किसे कहना? इष्ट ये प्रतिवादी और वादी दोनों की अपेक्षा से लिया गया है। क्यों क्यों लिया? क्योंकि वादी की अपेक्षा से उसको प्रत्याय न इच्छा वक्तु रे, मतलब जो वादी है उसको इष्ट होगा तो वो बोलेगा। ठीक, आगम का स्वरूप। तुम्हारा नाम क्या है? मुकुंद जैन। आगम, आगम का स्वरूप। आगम आप्तवचनादि निवेदना आपता, मतलब जो सर्वज्ञ मोहि द्वेष। सूत्र पूरा बोलो पहले। एक काम करो, आगमा भास का बताओ, आगम का आगे वाले सूत्र में जा रहा है, आगमा भास बताओ। अच्छा। राग द्वेष मोह क्रांत पुरुष बचना जातम आगमा भाषम, जो मोह राग द्वेष से जो युक्त पुरुष है उसकी जो वाणी है या उसका लेखन कार्य यदि उसको हम पढ़ते हैं तो वह आगमा भास है। ठीक है, बैठो अगले। सुयोग जैन। स्वपद की सिद्धि करने वाला सूत्र बताओ। स्वपद की सिद्धि करने का सूत्र है कि स्वोन्मुक्तया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय। इसका अर्थ है कि इसका अर्थ अगले सूत्र से जोड़ रहे हैं कि जिस प्रकार वो पर की तरफ उन्मुख होता है तो पर का ज्ञान होता है, उसी प्रकार अगर स्वोन्मुक्ता उसी प्रकार अगर स्व की तरफ उन्मुख होगा तो स्व का भी ज्ञान होगा। स्वोन्मुक्ता प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय। उपनय की परिभाषा। हेतु रूप समारोह उपनय, हेतु का उपसंहार करना अर्थात हेतु को दोहराना उसे उपनय कहते हैं। अनुमान कितने प्रकार का? तदनुमानम द्विधा। अनुमान है वो दो प्रकार का है, स्वार्थ स्वार्थ परार्थ भेदात्। स्वार्थ परार्थ भेदात्, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान किसे कहते हैं? जिसमें दो अनुमानों के दो अवयवों का उपयोग पड़े, जैसे प्रतिज्ञा और हेतु, ये दो अवयवों का उपयोग पड़े वो स्वार्थ अनुमान, और परार्थ अनुमान में जिसमें तीन चार या पांच अवयवों का आवश्यकता पड़े उसे परार्थ अनुमान। सूत्र बताओ, स्वार्थ अनुमान का सूत्र पूछा है ना, साधन से साध्य। साधनात् साध्य विज्ञान अनुमानम, ये तो अनुमान का है, स्वार्थ अनुमान का यही स्वार्थम। स्वार्थम सूत्र है वहां पर, स्वार्थम स्वार्थम की तदर्थ परामर्श, स्वार्थम मुक्त लक्षणम है। स्वार्थ मुक्त लक्षण, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ, जो पहले कहा गया है वो स्वार्थ अनुमान का लक्षण, स्वार्थ अनुमान का पहले क्या कहा गया? साधना साधन वो कहा, साधना साध विज्ञान अनुमानम जो कहा था उसके लिए उन्होंने सूत्र दिया है कि स्वार्थ। ठीक ठीक है, बैठ। सम्यक जैन। परार्थानुमान में स्वार्थानुमान में उदाहरण आदि की आवश्यकता नहीं है, उदाहरण आदि को अवयव के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, उनके खंडन के सूत्र बताओ। उदाहरण आवश्यकता नहीं है वो बताना है। एतद्वयमेवानुमानंगम नो उदाहरणम, कि स्वार्थानुमान में एतद्वय मतलब वो जो दो है प्रतिज्ञा और हेतु वो ही जो है स्वार्थानुमान के अंग है। नो उदाहरणम, उदाहरण अंग नहीं है। उदाहरण अंग नहीं है कि और कोई अंग नहीं है? उदाहरण अंग नहीं है, क्योंकि वहां उदाहरण से चर्चा चालू हुई थी, फिर आगे उपनय निगमन की भी आई। सूत्र क्या है? पूरा ध्यान में सूत्र पूरा बोलो। एतद्वयमेवानुमानंगम नो उदाहरणम। ठीक है, अब मेरा प्रश्न इसमें इतना सा है कि तुमने कहा ना एतद्वयमेव अनुमानंगम न उदाहरणम, ठीक, तो मेरा प्रश्न यह है कि उदाहरण अकेला अंग नहीं है कि बाकी और कोई भी अंग नहीं है? बाकी कोई भी नहीं है। कोई भी माने कौन? उदाहरण उपनय निगमन। ठीक, अब हमें पूछना है प्रमाण का विषय बोलो। प्रमाण का विषय सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय, कि जो प्रमाण का विषय है वो वस्तु बनती है जो कि द्रव्य गुणात्मक होती है। तो मेन यह कहना है कि वो वस्तु जो है सामान्य विशेष दोनों होती है, जब सामान्य मुख्य होता है तो विशेष गौण होता है, विशेष मुख्य होता है तो सामान्य गौण होता है। सामान्य का लक्षण बोल सकते हो? सामान्य का लक्षण, सामान्यम द्विधा, मतलब दो भेदी बताया, सामान्यम द्विधा तीर गुर्दता भेदात, फिर उसके अंदर ये लक्षण आ जाएगा। हेतु का लक्षण, हेतु साध्य विना भावित्व निश्चित हेतु, कि जो साध्य के साथ अविना भाव वाला हो,
मतलब जब साध्य रहेगा तो साधन रहे, मतलब जो चीज रहेगी उसके साथ अविनाभाव रूप से पाई जाएगी, वो हेतु है। अविनाभाव का मतलब क्या? अविनाभाव मतलब इसके रहने पर ये रहेगा ही, और इसके नहीं रहने पर ये भी नहीं रहेगा। रहने पर रहेगा इसको क्या कहेंगे, और नहीं रहने पर अन्वय, मतलब रहने पर रहेगा ये अन्वय है, और इसके नहीं रहने पर नहीं रहेगा वो व्यतिरेक है। इसका मतलब अविनाभाव का कोई दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? व्याप्ति। व्याप्ति ठीक है। बैठ गजेंद्र। हित्वाभास। हित्वाभास का भेद बताने वाला सूत्र। हेत्वाभास असिद्ध अविरुद्ध अनेकांतिक अकिंचित कर कि हेत्वाभास के चार भेद हैं, असिद्ध अविरुद्ध अनेकांतिक अकिंचित कर। असिद्ध के बाद अविरुद्ध। हाँ दूसरा बोलो, दूसरा। दूसरा अविरुद्ध हेत्वाभास। अविरुद्ध अविरुद्ध विरुद्ध विरुद्ध हेत्वाभास, असिद्ध हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, अनेकांतिक और अकिंचित करने से। प्रत्यविज्ञान की परिभाषा। दर्शन स्मरण कारंकलम संकलनम प्रत्यविज्ञानम तदेवेदम तस्विदशम तद्विलक्षणम तत्प्रत्ययोग इत्यादि। कि दर्शन और स्मरण अर्थात जो प्रत्यक्ष देखा है और धारणा रूप ज्ञान का जोड़ रूप ज्ञान है वह प्रत्यविज्ञान है, जैसे कि ये वही है, ये उसके समान है, ये उससे विलक्षण वाला है, ये उससे भिन्न है। ठीक। प्रत्यक्ष के कितने प्रकार? प्रत्यक्ष के दो प्रकार है, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के लक्षण वाला सूत्र और अर्थ। पारमार्थिक प्रत्यक्ष को दूसरा नाम क्या है? मुख्य प्रत्यक्ष का उसे मुख्य मुख्य प्रत्यक्ष। सामग्री विशेष विश्लेषता खिलावरण मतीन्द्रिय अशिष्टो मुख्यम की सामग्री अर्थात द्रव्यचित खालभाव सामग्री विशेष विश्लेषता की और विशेषता से होने वाले सभी आवरणों से रहित ऐसा जो अतीन्द्रिय ज्ञान है अर्थात मन और इंद्रियों से रहित जो ज्ञान है वह मुख्य प्रत्यक्ष मतलब विशेषता। वो एक शब्द छूट गया, अवशेष तो मतलब सर कोई शेष नहीं रह गया, मतलब कि मतलब इंद्रिय और मन कोई भी शेष नहीं है, सारे प्रकार के आवरण भी हट चुके हैं, ऐसा जो मतीन्द्रिय की मतलब अतीन्द्रिय जो ज्ञान है वह अतीन्द्रियम अशेष तो संपूर्ण जान संपूर्ण मतलब जो ज्ञान है वह अशेष मतलब उसमें कुछ रह नहीं गया, वह पूर्ण सर्व ज्ञान को जानता है। साम्यवहारिक में देशतः साम्यवहारिकम और पारमार्थिक में कहा अशेषतो मुख्यम, किसके साथ जोड़ा है देशतः और अशेषतः? एक देश ज्ञान और सर्व ज्ञान मतलब सर्व मतलब वो केवल ज्ञान होगा, एक देश ज्ञान तो फिर मति ज्ञान वो विषदम के साथ जोड़ा है, देशतः विषदम साम्यवहारिकम अशेष तो विषदम मुख्यम पारमार्थिकम, माने पूर्ण निर्मल जो है वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक है बेटी, क्या नाम था? कनिष्क। गजेंद्र। गजेंद्र। तुम्हारा नाम? कनिष्क। कनिष्क आया। कनिष्क तीन नंबर। अच्छा ये पदार्थ है और इससे ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, इसके आकार का है, इसका खंडन करने वाला सूत्र कौन सा है? ये बौद्ध मानते हैं तदुत्पत्ति और तदाकारा, और इसका खंडन आचार्य देव ने किया अतजन्यम अभी तत्प्रकाशकम प्रदीपत, यानी कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होकर भी पदार्थ को प्रकाशित करता है जैसे प्रदीपवत। हेतु के भेद बताओ। नहीं आगे जाओ, बाकी भेद के नाम ख्याल में है? कोई बात नहीं, परोक्ष प्रमाण के भेद बताओ। परोक्ष प्रमाण के स्मृति प्रत्यविज्ञान तर्क अनुमान आगम। सूत्र बोलो। स्मृति प्रत्यविज्ञान तर्क प्रत्यक्ष आदि निमित्तम स्मृति प्रत्यविज्ञान तर्क अनुमान आगम भेदम। इसका अर्थ बताओ। जो प्रत्यक्ष आदि के निमित्त से स्मृति प्रत्यविज्ञान तर्क और अनुमान आगम, इस प्रकार से ये परोक्ष भेद है, परोक्ष के भेद है। ये प्रत्यक्ष आदि निमित्तम लिखा ना, तो आदि का क्या अर्थ है? मतलब परोक्ष ज्ञान जो है वो किसी ना किसी की हेल्प से होता है, मतलब तो प्रत्यक्ष आदि के निमित्त से स्मृति होगा, फिर प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और स्मृति के जोड़ रूप ज्ञान से प्रत्यभिज्ञान होगा, फिर इन तीनों के जोड़ रूप ज्ञान से तर्क होगा। दृष्टांत। दृष्टांत कितने प्रकार के? दृष्टांतो देदा अन्वय व्यतिरेक भेदात।
अन्वय दृष्टांत किसे कहते हैं? साधन साधन व्याप्तम साधनम यत प्रदर्शते सो अन्वय दृष्टांत। फिर से एक बार सूत्र। साधन व्याप्तम साधनम यत्र, दोनों साधन ही, साधन व्याप्त साधन व्याप्तम साध्यम यत्र प्रदर्शते सो अन्वय दृष्टांत। साध्य व्याप्तम साधनम यत्र प्रदर्शते, साध्य व्याप्तम साधनम यत्र, क्या मतलब हुआ? मतलब कि जो साधन से साध्य की व्याप्ति को प्रदर्शित करना, वही वही दृष्टांत अन्वय दृष्टांत। अन्वय दृष्टांत। और व्यतिरेक में? व्यतिरेक में साध्य मतलब साध्य नहीं होगा तो साधन भी नहीं होगा, इस व्याप्ति को कहना हो गया व्यतिरेक दृष्टांत। ठीक है, बैठो। आप लोग भैया कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से स्वागत करते रहे विद्यार्थियों का। समीर चौंडक के। अच्छा, अपन कमरे पे बैठे हैं और सामने मतलब बच्चे खेल रहे हैं, तो उस समय ऐसा कि ऐसे ही हम भी खेलते थे, बस समझ में आ रही, ये कौन सा ज्ञान है और उसका सूत्र बताना है। ये स्मृति है, इस खेल ये दिख रहा है उससे याद आया कि ये स्मृति है। हाँ। तो सामने दिख रहा है और स्मरण में है। हाँ। इसको जोड़ रहे हो, ये स्मृति है। जोड़ रूप ज्ञान हुआ तो प्रत्यय भी ज्ञान है। उसका सूत्र बोलो और अर्थ। दर्शन स्मरण कारणकम संकलनम प्रत्यभिज्ञानम तदेवेदम तत्सदृशम तत्प्रतियोगित्यादि। दर्शन है मतलब प्रत्यक्ष, और स्मरण अर्थात स्मृति, इनका जो संकलनात्मक मतलब जोड़ रूप जो ज्ञान है वह प्रत्यभिज्ञान है। इसके भेद आगे बताएं। प्रमाण का दो फल हैं, वो सूत्र बताओ। प्रमाणाद दो, साक्षात पर साक्षात फल और परंपरा फल। इसके हिसाब से साक्षात फल जो है अज्ञान निवृत्ति, और परंपरा फल जो है हान उपादान उपेक्षा। तो इसका सूत्र जो है अज्ञान निवृत्ति हान उपादान उपेक्षाश्च फलम। कौन से अध्याय का है ये? पांचवे अध्याय का। पांचवा छठवा? पांचवे अध्याय का दूसरा सूत्र। पांचवे अध्याय का? हाँ, पांचवे अध्याय का दूसरा। चौथे का नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। जो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है वह अतींद्रिय और निरावरण ही होता है। क्यों? पारमार्थिक प्रत्यक्ष को यदि इंद्रिय वाला और आवरण वाला मान लिया जाए तो क्या दिक्कत आएगी? सावरणत्वीकरण जन्यत्व च प्रतिबंध संभवात। जो आवरण सहित है, जो आवरण सहित होने पर और करण जन्यत्व मतलब करण आदि से उत्पन्न होने पर जो ज्ञान होता है उसमें प्रतिबंध होता है, इसलिए संभव होने से यह जो पारमार्थिक जो ज्ञान है मुख्य प्रत्यक्ष वह इससे रहित है। करण का अर्थ क्या है? करण अर्थात इंद्रिया। नहीं, प्रतिबंध होगा तो क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत आ रही कि अगर आवरण सहित होगा तो उसमें बाधा उत्पन्न होगी, और बाधा रहित ज्ञान चाहिए इसलिए। किसके लिए? ये कौन से ज्ञान की बात है? ये मुख्य प्रत्यक्ष। और मुख्य प्रत्यक्ष कैसे होता है, कैसा होता है? माने सब कुछ जानने वाला होता है, यदि हाँ। प्रतिबंध आया तो सब जानना संभव नहीं होगा। ठीक है, समीर था ना? हाँ, वर्षिल जैन। जैसे हम यहां बैठे हैं ना, और हम कह रहे हैं कि भैया बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है, आवाज नहीं आने से, बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है आवाज नहीं आने से, ये क्या है, कौन सा हेत्वाभास है, सूत्र बताना। ये विरोध हेत्वाभास है, इसका सूत्र है विपरीत निश्चिता अविना भावो विरुद्धोष विरुद्धो परिणामी शब्द कृतकत्वात। इसमें कहा है कि जहाँ पर अविनाभाव संबंध नहीं है वहां पर अविनाभाव संबंध बताना, जैसे अपरिणामी शब्द अपरिणाम है क्योंकि वो किए जाते हैं, अभी जो किए जाते वो अपरिणामी नहीं हो सकता, वो परिणामी ही होगा। प्रमाण को व्यवसायत्मक होना चाहिए, इसका सूत्र बताओ। तन्निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वात् अनुमानवत्। इसमें बौद्धों का खंडन किया गया व्यवसायत्मक पद से, कहा है कि वो प्रमाण व्यवसायत्मक होना चाहिए समारोप यानी संशय विपर्य और अनध्यवसाय का विरोधी होने से, और बौद्ध के अनुमान के समान। जैसे बौद्ध ने दो प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और एक अनुमान। अब प्रत्यक्ष को निर्विकल्प मानते। व्यवसायत्मक होने में और समारोप का विरोधी होने में क्या दिक्कत है?
अगर वो समारोप का विरोधी नहीं होगा तो फिर निश्चयात्मक कैसे होगा? अभी हम मानते हैं कि ज्ञान निश्चयात्मक ही होता है, अगर समारोप का विरोधी नहीं है तो फिर निश्चयात्मक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें संशय है कि ये है या ये है, निश्चयात्मक में संशय नहीं रहता। अब वो विरुद्ध है, हमने टेबल को कुर्सी मान ली, ठीक वैसा। धर्म की प्रसिद्धि कितने प्रकार से होती है? तीन प्रकार से होती है, एक विकल्प सिद्ध, एक विकल्प सिद्ध धर्मी, प्रमाण सिद्ध धर्मी और उभय सिद्ध धर्मी। विकल्प सिद्ध तस्मिन सत्य तरह साध्य, उसका उदाहरण है अस्ति सर्वज्ञ नास्ति खर विषाणम इति। फिर प्रमाणोभय सिद्ध, प्रमाणोभय सिद्धे तू साध्य धर्म विशिष्ट। विकल्प सिद्ध धर्मी में क्या साध्य होता है? सत्ता रूप साध्य होता है, असत्ता रूप साध्य होता है विकल्प सिद्ध धर्मी में। फिर क्यों? क्यों? क्योंकि विकल्प सिद्ध में हमें खाली ये बताना है कि जैसे उदाहरण में दिया था सर्वज्ञ है और गधे के सिंह नहीं होते, खर विषाणम इति। तो इसमें सत्ता साध्य खाली ये था कि है सर्वज्ञ है या नहीं, तो सर्वज्ञ है और गधे के सिंह नहीं है, तो इसमें साध्य हमें ये सिद्ध करना है कि सर्वज्ञ है, तो है को साध्य बनाया और सर्वज्ञ इसमें धर्मी होता है। माने उसकी सत्ता या असत्ता अभी सिद्ध नहीं है, हाँ। हमने विकल्प से मान ली थी इसलिए वही पहले सिद्ध करना पड़ेगी, इसलिए सत्ता या असत्ता ही साध्य बनती है। ठीक है, गौरवी जैन। अविना भाव में क्रम भाव नियम अविना भाव की दो कंडीशन कौन कौन सी है, सूत्र बताना है। पूर्वचर पूर्वोत्तर चारणों कार्य कारण क्रम भाव कि जो पूर्वचर उत्तरचर और पूर्वचर उत्तरचर कार्य और क्रम इसमें क्रम भाव ये नियम लगेगा, मतलब जो पूर्व और उत्तर हो और जहां पर कार्य कारण संबंध हो वहां क्रम भाव नियम, क्रम भाव नियम लगेगा। विशुद्धता की परिभाषा बता। विशुद्धम प्रत्यक्षम। विशुद्धता की परिभाषा, विशद किसे कहते हैं? वैशद्यम, दूसरे अध्याय में प्रतीत्यंतर। प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनम वैशद्यम। इसका अर्थ कि प्रतीत्यंतरा मतलब अन्य किसी भी ज्ञान की बाधा से रहित, किसी उसके व्यवधान से रहित ऐसा विशद ज्ञान। ये बाधा से रहित मतलब क्या? प्रतीत्यंतर अव्यवधानेन, अव्यवधानेन माने क्या? बाधा रहित, बाधा रहित के जरूरत रहित, बिना मदद, दूसरे की सहायता के बिना, और जो सहायता लेना ही वह बाधा कहलाती है, इसलिए उसको बाधा रहित कहलाता है। और विशेष वत्तया, विशेष ज्ञान। विशेष माने? विशेष मतलब सब सर्व प्रकार से पूर्व पर्याय को जानने वाला। और प्रमाण का प्रामाण्य का निर्णय कैसे होता है? सूत्र और अर्थ। तत्प्रमाण्यम स्वतः परतश्च अर्थात कि प्रमाण स्व से भी होता है और पर की अपेक्षा से भी होता है। स्वतः कब होता है और पर से कब होता है? स्वतः कब होता है और पर से कब होता है? स्वतः जो पहले से जिसका ज्ञान हो उसमें स्वतः हो जाता है, और जिसमें ज्ञान नहीं हो पर की आवश्यकता हो तब परता होता है। वो जो स्वतः ज्ञान होता है उसको कौन सी दशा कहलाती है? अभ्यस्त दशा। हाँ, अभ्यस्त और दशा। दूसरी अनभ्यस्त दशा। अभ्यस्त दशा में कैसे होता है? अभ्यस्त दशा में उसका पहले से अभ्यास है तो स्वतः हो जाता है, और अनभ्यस्त दशा में उसका पहले से अभ्यास नहीं है इसलिए पर के रूप से। ठीक है, सुविधि सात पुत्र। अनुमान के पांच अवयवों में प्रतिज्ञा की आवश्यकता है
मतलब पक्ष के प्रयोग की आवश्यकता है, इसकी सिद्धि करने वाला सूत्र बताओ। साध्य धर्माधार संदेहापनोदय गम्य मानस्यापि पक्षस्य वचनम्। मतलब साध्य को सिद्ध करने के लिए जो उसका आधार है उसमें संदेह, मतलब साध्य कहाँ सिद्ध करना है ये संदेह उत्पन्न नहीं होना चाहिए, इसलिए पक्ष प्रतिज्ञा मतलब पक्ष का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया, आप लोग भैया जैसे ही उत्तर आ रहा है उत्साह वर्धन करते रहें। संस्कारोद्बोध निबंधना तदित्याकारा स्मृति। मतलब मतलब धारणा में जो ज्ञान, पहले जो धारणा में ज्ञान था उसका उद्बोध होके उसी के आकार का ज्ञान स्मृति है, जैसे वह देवदत्त। संस्कार का अर्थ क्या है यहाँ? संस्कार मतलब धारणा। वेरी गुड। किस पदार्थ को कौन सा ज्ञान जानेगा, इसके संदर्भ में बौद्ध और जैन मान्यता क्या है? वो बौद्ध मानते हैं कि तदुत्पत्ति और तदाकार मतलब ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होगा और उसी के आकार का होगा, और जैन मानते हैं स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्था पयति। मतलब अपने स्वावरण मतलब अपना जो क्षयोपशम है और कर्म के आवरण मतलब अपना जो आवरण है उससे अर्थ की व्यवस्था होती है, पर्टिकुलर अपने को अर्थ जानने में आते हैं। किस पदार्थ को कौन सा ज्ञान जानेगा, इसका निर्णय किसके आधार से हुआ? स्वावरण क्षोपशम लक्षण योग्यता, इसका मतलब अपने मतलब स्वावरण जो कर्मादि का आवरण है क्षयोपशम से मतलब ज्ञानावरण का ज्ञानावरण है उससे जो योग्यता होगी उससे होगा। जिस समय जिस पदार्थ को जानने की योग्यता होगी क्षयोपशम में वो पदार्थ जानने में आएगा। ठीक है, दो रह गए, नहीं नहीं समर्थ और प्राप्ति नहीं है ना? समर्थ नहीं है ना? हाँ हाँ नहीं है, समर्थ और प्राप्ति भी नहीं ना। ठीक है सब, इनसे प्रश्न वापस पूछना है कि निर्णय हो गया है? दोनों बातें पूछ भी लिया हमने, प्रश्न ही पूछ लिया समझो, और अब पूछना और एक बार भी पूछ लेंगे, एक एक प्रश्न पूछना है इनसे कि एक होता है। चलो चलो शुरू करो, पूछना है तो तैयार बैठे, हमें क्या दिक्कत है, तुम देखो समय। नहीं नहीं आप बताओ ना, भी सब निर्णय हो गया है कि इनसे एक एक प्रश्न और पूछना है। निकाल सकते हो तो नहीं, हमने प्रश्न पूछ ही लिए उसी समय, जो पूछना था पूछ लिया है। चलिए, अभी बहुत सुंदर कनिष्ठ वालों ने यहाँ पे कंठपाठ प्रतियोगिता में भाग लिया, एक बार करतल ध्वनि से सभी प्रतिभागियों का स्वागत करो। समय ज्यादा हो चुका है, फिर भी मैं सामान्य हमारे जो आज के अतिथिगण हैं उनसे पूछना चाहूंगा, उन्हें प्रतियोगिता कैसी लगी? आदरणीय परमत प्रकाश जी भाई साहब से मैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए हैं, यानी कि जब आप लोगों ने इस विद्यालय में प्रवेश लिया था उसको पूरा 1 वर्ष भी नहीं हुआ है। जब हमने इंटरव्यू लिए थे तो वे भोले भाले बालक हमारे सामने खड़े थे, और आज न्याय शास्त्र के इतने पारंगत विद्वान हो गए हैं, सचमुच ये बहुत सुखद आश्चर्य की बात है।
आप सभी लोग जिन्होंने इसमें भाग लिया और अपने विषय को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया, आप तो सफल हुए ही हैं। आपको पढ़ाने वाले अध्यापक भी सफल हुए हैं कि किस प्रकार उन्होंने दक्षता के साथ में इतना कठिन विषय हृदयंगम करवा दिया है। अनुभव जी, अनुभव जी बहुत अच्छे विद्वान हैं, आत्मार्थी हैं, और हमने तो ये इच्छा रखी थी कि वे यहाँ रह करके ही, महाविद्यालय में रह करके ही बालकों को अभ्यास कराएं, परंतु संस्था में ये मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं और उनकी रुचि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही थी और इस प्रकार बात बनी नहीं, परंतु वे अपने विषय में जिस प्रकार से दक्ष हैं, सचमुच ये बात बहुत अप्रिशिएट करने के लायक है कि उन्होंने स्वयं समझा और बड़ी सफलता के साथ में बच्चों को भी हृदयंगम कराया। उनको भी बहुत बहुत बधाई और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। अब मैं आदरणीय पीयूष जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि आपको प्रतियोगिता कैसी लगी? बहुत बढ़िया। न्याय वैसी कठिन विषय और उसमें भी संस्कृत नहीं आने पर भी संस्कृत के सारे सूत्र याद कर लेना, ये बड़ा ही बात है। और फिर सूत्रों को अर्थ के साथ याद कर लेना, उससे बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात यह है कि आपने उनका भाव भी समझा। और निश्चित रूप से जब शुरुआत ऐसी है तो आगे तो बहुत उन्नति आप लोग करेंगे करेंगे। आप लोग न्याय शास्त्र में रुचि रख रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। प्रतियोगिता बहुत अच्छी, विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया। यहाँ आके किसने कैसा प्रदर्शन किया ये जुदी बात है, लेकिन यहाँ आके खड़े हुए यही बड़ी हिम्मत की बात है। और एवरेज सबने बहुत बढ़िया किया, प्रतियोगिता बहुत अच्छी रही। मुझे लगता है शायद ये पहली बार न्याय शास्त्र संबंधी कोई प्रतियोगिता यहाँ हुई है, तो पहली बार ही प्रतियोगिता इतनी बढ़िया हुई है। इसके लिए अध्यापक महोदय को भी साधुवाद और प्रतिभागियों को भी साधुवाद। इस अपेक्षा के साथ अब ये ऐसे काम चलते रहेंगे। धन्यवाद। अंत में आदरणीय शांति जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि आपको प्रतियोगिता कैसी लगी, साथ ही साथ श्रेष्ठ तीन प्रतिभागियों का भी चयन करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। ये कौन से अनियोग का विषय है? न्याय क्यों? द्रव्यानियोग का विषय क्यों है? जैसे प्रत्येक अनियोग की अपनी अपनी शैली है, प्रथमानियोग कथा की शैली में लिखा, कर्णानियोग में किसकी मुख्यता है? गणित की मुख्यता है, और चरणानियोग में सुभाषितों की, और द्रव्यानियोग कौन सी शैली में लिखा गया? न्याय की शैली में लिखा है, क्योंकि द्रव्यानियोग में तत्व आदि का निर्णय किया जाता है, निर्णय परीक्षा के द्वारा होता है, प्रमाण नयों से होता है, इसलिए उसका ज्ञान हमें बहुत अच्छी तरह से होना ही चाहिए। पर हम अकेले प्रमाण के लक्षण विषय इत्यादि समझने के लिए इसे नहीं समझ रहे हैं, बल्कि द्रव्यानियोग अध्यात्म इसके लिए भी बहुत आवश्यक है, इसलिए इसका अध्ययन हमें बहुत अच्छी तरह से होना ही चाहिए। कंठस्थ करना, इसमें दो बातें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी चाहिए। एक तो शुद्ध उच्चारण, क्योंकि एक अनुस्वार भी इधर का उधर हो गया तो अर्थ बदल जाता है। अ लगा हुआ है और अ का उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो अ माने नकार के लिए है, और अ का उच्चारण उसमें नहीं हुआ तो फिर उसकी अस्थि हो गई, तो नास्ति की अस्थि हो जाएगी, अस्थि की नास्ति हो जाएगी, अर्थ ही बदल जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से एक एक अनुस्वार को ध्यान में रखते हुए ही कंठस्थ करना, और विषय ध्यान में लेकर कंठस्थ करना, अकेले शब्द कंठस्थ मत करना।
इसलिए आदरणीय दादाजी हमेशा ही कहते थे नंबर से याद करना बंद कर दो, ये नंबर बता दिया तो ये सूत्र कह दिया, क्या मतलब नंबर से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आपको विषय पूछा और उसका सूत्र आपने बता दिया, वो ज्यादा जरूरी है समझ पूर्वक। इसका अर्थ ये है कि हमने विषय पूछा और वो सूत्र आपने बताया, इसका मतलब उस सूत्र को आपने समझा है, विषय आपने समझा है और विषय ख्याल में आते ही वो सूत्र आपको तत्काल याद आ गया। इसलिए सूत्र का अर्थ अर्थात भाव भाषण करते हुए, और एक बार भाव भाषित तो हुआ तो बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ भी हो जाता है। इसलिए हमें विषय समझने पर भाव समझने पर ज्यादा जोर देना है, भाव समझते हुए शब्दों को याद करने का प्रयास करना। और यहाँ आपसे इस तरह से पूछा और उसका भी आपने उत्तर दिया, ये बहुत बढ़िया। किसी किसी को क्रॉस करने की भी कोशिश की, तब भी उन्होंने उसका उत्तर देने का प्रयास किया, इसका मतलब आपने उसे समझने का बराबर प्रयास किया है। इसी तरह अभी तो परीक्षा मुख माने ये क्या है, प्रारंभ है, प्रवेश द्वार है, आपने अभी प्रवेश किया है तो और इसके जो विषय गंभीर आए उसे भी इसी तरह से तैयार करें और स्वानुभव जी का जो जितना प्रयास है वह भी सफल हो, इसी भावना के साथ। अभी ये कह रहे थे कि तीन छात्रों की घोषणा करें, लेकिन तीन की संख्या में बांधना मुश्किल हो गया है, ठीक है ना। तीसरे स्थान पर एक छात्र है, तीसरे स्थान पर है गजेंद्र जैन, अपने स्थान पर खड़े हो जाओगे गजेंद्र जैन। दूसरे स्थान पर एक छात्र है संवेद सोनटक्के, अब कौन सा स्थान रह गया, पहला। अब पहले स्थान पर कितने नंबर निकालने थे, तीन, पहला दूसरा तीसरा तीन निकालने थे ना, तो पहले स्थान पर ही तीन छात्र हैं, तीनों के समान अंक है इसलिए तीनों को पहला ही स्थान दिया, सम्यक जैन मुंबई, वर्षिल जैन मुंबई और सुविधि जैन। एक बार सभी विद्यार्थी जो जिनका नंबर लगा है वे अपने स्थान पर खड़े हो जावे। अभी आप सभी हमारे अतिथि महोदय से अपना भेंट लेवे, वहाँ से जाके यहाँ से मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय अतिथि महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे माला माल्यार्पण कर इनका स्वागत करें। हाँ, सभी करदल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। इनका पुरस्कार इनको यथासमय यहाँ से प्रदान कर दिया जाएगा। जीत गए हो, तुम्हें हार पहना रहे हैं, और ये जो प्रतियोगिता हुई है इस प्रतियोगिता को देखकर संयम जी पुजारी के भाव बने हैं, उन्होंने 500 रुपए का पुरस्कार उपाध्याय कनिष्ठ कक्षा के लिए घोषित किया है, और उनके जो कक्ष वाले हैं उन्होंने सबने मिला के 501 रुपए की राशि प्रदान करने का कहा, और समकी जी कोटादार की तरफ से 501 की राशि आपको पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जा रही है। एक बार सभी के लिए जोरदार कर्तव्य से स्वागत करते हैं, और दो मिनट का कार्यक्रम और है। अभी कुछ ही समय उपाध्याय वरिष्ठ के जो विद्यार्थी थे, पूर्व में वो अनेक प्रतियोगिताओं में बाहर गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर, और साथ ही साथ अभी जो संस्कृत ओलंपियाड हुआ है उसमें भी हमारे विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल इत्यादि प्राप्त किए हैं, तो उनके पुरस्कार भी यहाँ से हम आदरणीय भाई साहब के माध्यम से यहाँ से दिलवा रहे हैं। मैं यहाँ से नाम बोलूंगा, जिन भी विद्यार्थी का नाम बोल रहा हूँ। ये पहले दूसरे राउंड में बैठे थे उनको क्या मिलेगा, कंठपाठ का पुरस्कार मिलेगा उनको, सबको यथासमय मिलेगा। हाँ, जितने भी प्रतिभागी थे उन सबको ही पुरस्कार मिलेगा, इनको तो विशेष पुरस्कार प्रतियोगिता का मिला है, आप सभी को प्रतियोगिता का और कंठपाठ का पुरस्कार हमें यथासमय आपको प्रदान कर दिया जाएगा यहाँ से। अभी कुछ ही दिनों पूर्व
CSU सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की ओर से संस्कृत ओलंपियाड हुआ था, जिसमें पूरे राजस्थान भर में प्रथम स्थान पर आए हैं ध्रुव जैन बड़कुल, आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वे इनको प्रमाण पत्र और मेडल देके इनका स्वागत करें। और इसी क्रम में द्वितीय स्थान पर कॉलेज स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है निवेश जैन दिल्ली ने। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है कुशार जैन सागवाड़ा ने। चलिए, और इससे पूर्व सत्र के प्रारंभ में ही जो स्टेट लेवल की प्रतियोगिता होती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उपाध्याय वरिष्ठ के विद्यार्थी और कनिष्ठ के विद्यार्थी जाते हैं, उसमें जो स्टेट लेवल राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता हुई है उसमें प्रथम स्थान आदि जैन खनिया दाना, आप हिंदी वाद विवाद में विवाद पक्ष से आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, आपको यहाँ से वहां से गोल्ड मेडल मिला है, यहाँ से आप आदरणीय भाई साहब के माध्यम से प्राप्त करें, सभी करतल ध्वनि से आपका स्वागत करेंगे। और इसी क्रम में संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रिंस जैन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, सिल्वर मेडल आपको मिला है, आप यहां से आके अपना पुरस्कार प्राप्त करें। अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे हैं आदित्य जैन मुंबई, आप अपना यहां से पुरस्कार प्राप्त करें। और खेल प्रतियोगिताओं में बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे हैं शुभ जैन, आपने भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, आप भी आदरणीय भाई साहब के माध्यम से अपना पुरस्कार यहां से प्राप्त करें। और इसी के साथ द्वितीय स्थान पर रहे हैं बैडमिंटन प्रतियोगिता जो हुई थी उसमें कृष जैन, आदि जैन भोपाल, यश जैन और शुभ जैन, आप द्वितीय स्थान पर रहे हैं, शुभ जैन तो प्रथम पे आ गए थे, बाकी तीन हैं कृष आदि और यश जैन, आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, आप अपना पुरस्कार आदरणीय भाई साहब से यहाँ से प्राप्त करें, सभी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। इनके अतिरिक्त जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रतियोगिताएं हुई थी वहां पर जो प्रथम और द्वितीय स्थान आए हैं उनके मैं यहाँ से नाम बोल रहा हूँ। प्रथम स्थान संस्कृत सूत्राक्षरी में अनिकेत जैन फुटेरा ने प्राप्त किया है। संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है प्रिंस जैन, हाँ आप यहां से आके अपना पुरस्कार प्राप्त करें। इसी के साथ अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता में विवाद पक्ष से प्रथम स्थान प्राप्त किया है आदित्य जैन मुंबई, आप भी यहां से आके अपना पुरस्कार प्राप्त करें। और अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता में विपक्ष से सिद्धम जैन कानपुर उपाध्याय कनिष्ठ, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जोरदार करतल ध्वनि से हम आपका स्वागत करते हैं। और हिंदी वाद विवाद में पक्ष से आदि जैन खनिया दाना, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, अपना यहां से आके पुरस्कार प्राप्त करें। इसके पश्चात खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ था जिनमें वॉलीबॉल टीम थी वह द्वितीय स्थान पर रही थी, उसके जितने भी खिलाड़ी थे वे सब यहां पर आ जाएं और आदरणीय भाई साहब से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। आर्यव जैन सिवनी, अथर्व जैन, ओम जैन, हर्षवर्धन पाटिल, विदेह जैन, प्रफुल्ल जैन, पार्थ जैन, जीवागन, समर्थ जैन और अथर्व पाटिल, आप सभी यहां से आके अपना पुरस्कार प्राप्त करें। आपने वॉलीबॉल प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, एक बार करतल ध्वनि से हम पुनः इनका स्वागत करते हैं। आदि जैन खनियादाना भी। इसके पश्चात भाला फेंक प्रतियोगिता में उपाध्याय कनिष्ठ से सिद्धम जैन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, वे भी यहां से आके अपना पुरस्कार प्राप्त करें। सिद्धम जैन कानपुर।
और 800 मीटर दौड़ में उपाध्याय वरिष्ठ से सानिध्य जैन नीचकर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आप यहाँ से आके अपना पुरस्कार प्राप्त करें। जोरदार करतल ध्वनि से हम सभी आपका स्वागत करते हैं। और इनके बीच में जो अपने भूतपूर्व छात्र रहे हैं उसमें पंडित सुष्मित जी शास्त्री, आपने पूर्व वर्ष भी अखिल भारतीय शलाका प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और इस वर्ष आपने वाद विवाद प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। साहित्य भाषण में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। उपस्थित है नहीं है, एक बार उनके लिए हम जोरदार करतल ध्वनि से उनका यहाँ पे परोक्ष रूप से स्वागत करते हैं। इस प्रकार आज की हमारी यह प्रतियोगिता आदरणीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से यही संपन्न होती है। बोलिए महावीर भगवान की जय हो। सभी जा सकते हैं।